अर्थव्यवस्था का अर्थ हस्तक्षेप के संपादक अभिलेंदु उपाध्याय और बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एके मिश्रा के साथ। नमस्कार, हस्तक्षेप के अर्थव्यवस्था का अर्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एके मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अमलेंद्र जी, आपका भी और आपके लाखों करोड़ों दर्शकों का जो हस्तक्षेप का नियमित पठन और पाठन करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। जी धन्यवाद। मित्रों, मिश्रा जी लंबे समय तक कई एमएनसीज में काम कर चुके हैं, उनको लंबा अनुभव है। व्यापार किस तरीके से किया जाए, व्यापार किस तरीके से जमाया जाए, व्यापार में किस तरीके से टिका जाए, इन सारी चीज़ों पे मिश्रा जी लोगों को कंसल्टेंसी भी दिया करते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं। और छोटे और मझोले उद्योगों और छोटे और मझोले व्यापारियों को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम की हम लोगों ने संरचना की थी कि उनकी जो समस्याएं हैं और उनको जो राय मिलनी चाहिए सटीक, वो मिले। क्योंकि जो बड़े मीडिया घराने हैं वो इन छोटे और मझोले उद्योगों और छोटे मझोले व्यापारियों को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। वो या तो शेयर बाजार पे ध्यान रखते हैं या फिर वो अडानी और अंबानी और जो बड़े पूंजीपति हैं उनके बिजनेस में क्या चल रहा है उसकी सूचनाएं दिया करते हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो यही हमारे छोटे और मझोले व्यापारी और उद्यमी हैं। तो आज हम मिश्रा जी से इस बात पर चर्चा करेंगे कि कोई नया उद्यमी या नया व्यवसायी, छोटा हो या मझोला हो, वो व्यापार में जब उतरता है तो वो किस तरीके से व्यापार में उतरे, क्या क्या उसके सामने दिक्कतें आ सकती हैं, किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखे, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाए कि व्यापार में टिका भी रहे और सफल भी हो, और क्या व्यापार की कठिनाइयाँ हों किस तरीके से दूर किया जाए। तो आज हम इस चर्चे पर मिश्रा जी से बात करते हैं और आपकी अगर कोई समस्या हो, कोई आपके प्रश्न हो तो आप हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के नंबर नीचे दिए हुए हैं, और अगर आपके और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो उसको हम अगले कार्यक्रम में निश्चित तौर पे शामिल करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना सीधे सीधे आप तक पहुँच पाए। तो मिश्रा जी, आज का जो विषय है हम लोगों ने जैसा तय किया था, तो आप अपनी बात शुरू करें। मुझे लगता है कि किस तरीके से जो है नए लोग जब व्यापार में उतरें तो उनको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। धन्यवाद अमलेंदु जी। देखिए, हम लगातार बात कर रहे थे कि भारत में बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियो जो है डायनामिक्स है, और जो आयाम है वो सारे के सारे डायनामिक्स एंड डायमेंशंस वो पूरे के पूरे जो है चेंज हो रहे हैं। और अभी भी खबरें आ रही हैं कि चाइना के ऊपर ग्लोबल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वगैरह का, मित्र देशों का बढ़ता जा रहा है। गल्फ की हालत वैसे ही खराब होने वाली है, तो जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा उसकी अपॉर्चुनिटी बट नेचुरल वे में इंडियन व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उद्यमियों को मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीजें जो ग्लोबल जरूरतों को पूरा कर सके वो केवल और केवल भारत के पास है। मैं बार बार बोलता हूँ कि 5M जिनको बेसिक रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे बोला जाता है वो इंडिया में ही है। अच्छा, बात हम ये करते हैं जो अपने टॉपिक का है, हम उसको शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि आप कहीं जाइए, कोई मिल जाता है तो बिजनेसमैन या उद्यमी बोलते हैं, भाई हमने पैसा तो बहुत लगाया, मेहनत भी हमने बहुत की, लेकिन हमारा सारा पैसा डूब गया। ये बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है अगर आप बिजनेस कम्युनिटी में ट्रेवल करते हो और इंटरेक्ट करते हो कि हमने ये करके जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई या फलाने बिजनेस में इतना खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, इसी समस्या को हम जो है आज यहाँ पे समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं जब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं। दूसरी चीज अमलेंदु जी, मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो है रियल टाइम प्रॉब्लम जो होती है, रियल टाइम एनालिसिस, ना कि हाइपोथेटिकल या प्रिंसिपल बेस्ड या किताबों में जो लिखी रहती है। रियल टाइम का मतलब ये होता है बिजनेस जो है उसमें कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एक बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। हम आते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। देखिए, मुद्दा ये है कि आपके पास मान लीजिए फंड है, अगर फंड नहीं है तो एक स्टेप पीछे जाकर के अगर देखा जाए, आपके पास आइडिया है। दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक जिनके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है
वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, दूसरे हैं जो बिजनेस में टोटली फ्रेश है, जिनके पास पैसे हैं या आइडिया है बेसिक, और फंड वगैरह भी उनको अरेंज करके बिजनेस शुरू करना है। अब अगर आप बिजनेस में इंटर करना चाहते हैं तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि कॉमनली ये स्टेटमेंट बिजनेस कम्युनिटी में सुनने को मिलता है कि हमने तो बहुत पैसा लगा के ये बिजनेस शुरू किया, वहां किया, मेहनत की, ये किया, लेकिन डूब गया। उसके पीछे कारण एक सिंपल, बहुत सिंपल सा कारण है कि आप जिस परिवेश में जा रहे हैं, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट या बिजनेस इकोसिस्टम में जा रहे हैं, उसको समझना, उसके डायनामिक्स को समझना, और उसके स्पेशली लेटेंट डायनामिक्स को समझना। लेटेंट डायनामिक्स का मतलब ये होता है, जैसे ठीक है मान ले कि मोबाइल इंडस्ट्री बहुत बूम पे है, अब देखिए देखा आपने भी बोला कि हम मोबाइल इंडस्ट्री में लगाएंगे। अब लेटेंट डायनामिक्स क्या है कि मोबाइल इंडस्ट्री में उसके पार्ट्स का प्रोक्योरमेंट कहाँ से होता है, असेंबली कैसे होती है, और ओवरऑल जब प्रोडक्ट आपका तैयार होता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। ये प्राइमा फेसी जो है इसको इग्नोर कर दिया जाता है, जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में आप डिस्कस नहीं करते हैं या सोचते नहीं है। तो अगर कोई आदमी बिजनेस में इंटर करता है तो उसको किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए बिजनेस का अल्टीमेट गोल ये होता है, जिसमें इथिकल गोल की मैं बात कर रहा हूँ, कि हेल्दी वे में पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया आ जाए। अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो एटलीस्ट 101 रुपीज, 110 रुपीज, 10%, 20% प्रॉफिट वो इथिकल वे में, इथिकल प्रोसीजर और इथिकल एक्टिविटी से होके आपके पास लौटे, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको रिटर्न मिले। अब सवाल ये है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट प्योर बिजनेस ओरिएंटेड है, यानी आप इन्वेस्ट करिए और पैसा आपको वापस मिले विद प्रॉफिट, तो वहां पे सबसे पहले ये देखना चाहिए किस मार्केट में आप जा रहे हैं, उस मार्केट की पोटेंशियल क्या है, और उसके साथ साथ आपकी एक्सपर्टाइज क्या है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए, अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आइडिया है, फंड है, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें। पहला क्राइटेरिया ये है, जिस इंडस्ट्री को, जिस बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आप उसको इन्वेस्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंजीनियरिंग पास ग्रेजुएट है, उसने किसी इंडस्ट्री में 5 साल 10 साल काम किया हुआ है, भले ही किसी दूसरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो, उसमें मार्केट बहुत बूम कर रहा हो, कई बार जो होता है मार्केट का बूम या ग्रोथ जो होता है वो स्यूडो ग्रोथ होता है, आपको दिखता है, स्पेशली सेंसेक्स मार्केट से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, कई बार उनकी ग्रोथ जो होती है रियल ना होकर के वर्चुअल होती है, वो बिकवाली और खरीदारी के कारण उस कंपनी का शेयर बढ़ता जाता है, वो एक वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि उस एसेट्स जो होते हैं वो उतने ही रहते हैं। तो इस चीज का पहले खास ध्यान रखा जाए कि जिस बिजनेस में आपको महारत हासिल है, आपको एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, वहां पे रिस्क बहुत कम होता है और आपके रिटर्न की वहां पे गारंटी ज्यादा रहती है। किसी अननोन बिजनेस में आप कितना भी पैसा डाल दीजिए, वो एकदम से वहां पे रिस्क बना रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली अकेले आप सारा काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है आप डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी जानकारी आपको नहीं रहती है। तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि जिस बिजनेस की आपको अच्छी में जानकारी है आप उसमें हाथ डालिए, ये प्रिफर्ड है। देखिए हर बिजनेस में प्रॉफिट है, कूड़ा कबाड़ बेचने वाले भी। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है आप ये देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट जो बिजनेस चला हुआ है वो यही है कि घरों से कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा करके उससे वो जो है वेस्ट मैनेज कर रहे हैं उसका, और भारत में ये इमर्जिंग है लेकिन इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, उससे बिजली बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो ये मान के चलिए कि हर बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ग्रोथ के चांसेस हैं, केवल ऐसा नहीं है कि हीरे मोती और जवाहरात और सोने चांदी के बिजनेस में ही बहुत प्रॉफिट है, वहां पे भी बहुत कॉम्पिटिशन है, और जरूरी नहीं है कि बहुत वैल्यूएबल चीज में आपने पैसे डाले या बिजनेस शुरू किया उसमें आपको प्रॉफिट मिले। दूसरी चीज, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, देखिए ये हो गया कौन सा बिजनेस शुरू करें। अच्छा दूसरी चीज आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये नहीं है और आप ये चाहते हो कि आपका पैसा हेल्दी वे में आपके पास रिटर्न हो, प्रॉफिट को लेकर के वापस आपके पास आए, तब आप कैसे क्राइटेरिया बनाइए कि किस सेक्टर को हमें चुनना चाहिए। देखिए इसमें दो तरीके के इंडस्ट्री होती है जो मैं आपको बता दूं, एक एवरग्रीन इंडस्ट्री होती है जो मैंने पहले भी बताया था, और एक होती है कि टाइम के हिसाब से जिन इंडस्ट्री में डिमांड है, तो टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल। नॉन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जिनको मैं एवरग्रीन बोलता हूँ, एफएमसीजी हो गया, फार्मा
चुटकल के हो गए, हर्बल, ओटीसी और ये जितने सौंदर्य प्रसाधन होते हैं जो परचून की दुकान पे मिलते हैं। इस इंडस्ट्री की एक खास बात ये होती है, इसमें डायमेंशंस और डायनामिक्स हमेशा फिक्स होते हैं, मार्केट फिक्स होती है, एवरेज ग्रोथ रेट लगभग हर साल मिलती रहती है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बढ़ने पे डिपेंड करता है। जितनी पॉपुलेशन जितने परसेंट बढ़ती है उतना कंजम्पशन बढ़ता जाता है और वही इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, और उसमें जितने भी प्लेयर होते हैं वो उनका शेयर अपने अपने इंडस्ट्री में मार्केट में प्रेजेंस के हिसाब से होता है। दूसरा होता है टेक्निकल बिजनेस में आ जाइए, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण होता है। और चूंकि आदमी की या एक सोसाइटी की जरूरत होती है, तो जब तक ये मार्केट वर्जिन रहता है या मार्केट एक तरीके से ग्रोइंग रहता है, यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। ऐसे सेक्टर की जो है लाइफ मुश्किल से 15 से 20 साल तक की होती है। 15 से 20 साल में कोई भी मार्केट, स्पेशली इंडियन मार्केट देखा जाए, तो उस प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली वो एकदम फ्लड हो जाता है, वहां पे अपॉर्चुनिटी श्रिंक कर जाती है और कॉम्पिटिशन अपने टॉप पे हो जाता है, मार्जिन के लिए, प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो ये दो सेगमेंट हो गए। अब सेलेक्ट कैसे किया जाए? देखिए, सबसे अच्छा सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसमें बैरियर मिनिमम हो। बैरियर मिनिमम होने का मतलब पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा हो जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे सोसाइटी में, पूरे कंट्री में सबके लिए बराबर हो, यानी मास प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया, हर कोई इसको यूज करेगा। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया जो कि पर्टिकुलर एक क्लस्टर ऑफ कस्टमर, एक पर्टिकुलर क्लस्टर, कस्टमर के क्लस्टर के लिए होता है, तो इसका मतलब है कि उसका सेल पोटेंशियल आपने ऑलरेडी जो है उसको लिमिटेड कर दिया है। ऐसे में इस बिजनेस को बोला जाता है निश मार्केटिंग या निश बिजनेस। हालांकि ये पॉकेट में अवेलेबल होते हैं, लोग प्रॉफिट इसमें भी बनाते हैं, लेकिन फिर ये एक सुपर स्पेशलाइज कैटेगरी में आ जाता है कि हम पर्टिकुलर केवल इस कैटेगरी में डील करते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसकी यूज करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी दिन में कितने बार यूज होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे बिस्किट हो गया, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो महीने में केवल एक बार यूज होगा, जैसे हेयर कलर या डाई हो गया, महीने में एक बार ही यूज होगा ना, तो डेफिनेटली उसकी खपत कम होगी, उसकी डिमांड कम होगी। अभी मैं नेचुरल पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल मैन मेड डायनामिक्स या पैरामीटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, क्वालिटी वगैरह। अब बिस्किट हो गया, बिस्किट एक ऐसी चीज है या नमकीन एक ऐसी चीज है जिसकी खपत सुबह से लेकर शाम तक होती है, आदमी सुबह भी ले लेगा, दोपहर को भी ले लेगा, कोई आ गया तब भी उसको कंज्यूम कर लेगा। यानी पहला क्राइटेरिया हो गया कि मास एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी अगर 120 करोड़ भारतीय हैं तो लगभग सभी लोग उसको प्रयोग करते हो। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक दिन में वो कितनी बार यूज होता है, ताकि मार्केट के मैक्सिमम पोटेंशियल को आप जो है एक्सप्लोर कर सके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके। कभी ना कभी तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा ही करेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर इस मामले में देखा जाए, कोई आपका जागरूक दर्शक अगर ये पूछे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा पेनेट्रेटेड है, यानी जिसको लगभग हर कोई यूज करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो ये ऑथेंटिकेटेड डाटा है, रिसर्च बेस्ड डाटा है। तो चाय, टी, टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग 99% घरों में इसका यूज होता है, 99% हाउस होल्ड में ये पेनेट्रेटेड है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा है। ये एक जो है मतलब बिजनेस और मैनेजमेंट में ये रिसर्च ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है। सारे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा यूज अगर देखा जाए फ्रिक्वेंटली, हर मौसम में, ठंड हो, गर्म हो, कोई भी हो, चाय का होता है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये दो क्राइटेरिया अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, पहला क्राइटेरिया हमने ये बताया जिस बिजनेस में आपको महारत हासिल हो, जिसकी जानकारी हो, एक्सपीरियंस हो, वो आपके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस है, आप उसमें जाइए। दूसरा ये होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए जिसको मास पॉपुलेशन यूज करती हो, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम मार्केट को आप कवर कर सके और सर्व कर सके, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, दिन में कई बार यूज होती हो, तो इससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। तीसरा क्राइटेरिया अब हम आते हैं, अब ऐसे चीजों को देखा जाए जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है या इमर्जिंग मार्केट है, जैसे 5G अभी आने वाला है, आप देखिए, तो 5G जब आएगा तो अपने साथ 5G के मोबाइल हैंडसेट भी आएगा, पुराने जो है इनकम्पेटेबल हो चुके जो मोबाइल हैंडसेट है वो रिप्लेस होंगे, पूरे के पूरे सिग्नलिंग और ये टावर वगैरह हर चीजें होंगी और पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाएगी।
मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं उनका फ्यूचर 15 से 20 साल होता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है आपको, और उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत तेजी से एक्टिविटी करना पड़ता है इसमें, ताकि आप मार्केट में बने रहे और उसके पोटेंशियल को ले सके। तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, मैन पावर की भी, फंड की भी होती है, और एक्सपर्ट की। अगर 5G टेक्नोलॉजी अभी आती है तो इनिशियल लेवल पे हो सकता है इसके एक्सपर्ट टेक्नीशियन ना मिले इंडिया में, या पर्टिकुलर किसी देश में ना मिले, तो ये भी होती है। अब देखिए, अब मार्केट में एंट्री कब किया जाए, अगर एक बार आपने अपने बिजनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, यानी सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री आपने कर लिया, और सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री करने के बाद प्रोडक्ट रेंज आपने सिलेक्ट कर लिया। हमने दो चीजें आपको बताई कि सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री आपने कर लिया और प्रोडक्ट रेंज आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब ये होता है कि मार्केट में एंट्री कब किया जाए, तो देखिए दोनों सेगमेंट में, टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल। नॉन टेक्नोलॉजिकल में अगर FMCG वगैरह की मार्केट, फार्मास्यूटिकल की देखा जाए, तो उसमें तो हमेशा ही मार्केट आप ये सोचिए कि एकदम टॉप लेवल पे रहता है, सेचुरेटेड रहता है, क्योंकि गली गली में दुकानें हैं, तो उसमें तो आप कभी भी इंटर कर सकते हैं। मैं हमेशा के लिए, पहला मेरा प्रेफरेंस रहता है FMCG सेक्टर, हर्बल, OTC और फार्मा सेक्टर। ये तीन जो है इनको मैं एवरग्रीन बोलता हूँ, कि एक बार अगर आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो पीढ़ियों तक चलने वाला ब्रांड है और इसमें चेंज नहीं होता है। इसके मैं एग्जांपल दूंगा, कोको कोला का लोगो जो 50 साल पहले था सेम लोगो वही है, कोको कोला का टेस्ट जो पहले था वो आज भी वही है, नेस्ले का डिब्बा वगैरह देखिए जो उनका लोगो, जो टेस्ट वगैरह था प्रोडक्ट की, पार्ले बिस्किट देखिए लगभग जो उनका लोगो या पार्ले बिस्किट का जो टेस्ट था, यानी जो आप ये सोचिए कि एक प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी होती है कस्टमर के नीड को, कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने का, किसी भी बिस्किट का, चाहे पार्ले हो या कोई भी हो, ब्रांड आप लीजिए, उसका टेस्ट सेम है, उसमें चेंज नहीं होता है। बेसिक टेस्ट जो है वो चेंज तब होता है जब कोई वो नया प्रोडक्ट रेंज वैल्यू एडिशन करते हुए लॉन्च करते हैं। अच्छा, अब अगर आप टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में आते हैं, तो टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में आया जाए तो वहां पे ये चीजें हमें देखनी होती है कि इंटर कब किया जाए मार्केट में। मार्केट एंट्री जो होता है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मार्केट एंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो तीन फेजेस होते हैं या दो तीन स्ट्रेटजी होती है। अर्ली एंट्री आप करेंगे, अर्ली एंट्री करने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप ये देखिए, इंडिया में जब ये मोबाइल फोन्स आए थे, मैं हैंडसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, तो इनिशियल में एंट्री किसकी थी, उस वक्त BPL मिलते थे और हचिंसन, हच का, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर थे। वहां मार्केट बहुत डेवलप नहीं थी और मोबाइल फोन बड़े लिमिटेड शहरों में मिलते थे, बॉम्बे दिल्ली वगैरह में कस्टमर बहुत लिमिटेड थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता था, तब कॉल की रेट 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए पर मिनट आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों की लगती थी, तो प्रॉफिट उन्होंने भी बनाया। लेकिन अर्ली एंट्री उन लोगों के लिए सुटेबल है जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज रखते हैं और उसको रिसोर्स करने की उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें अभी इंडिया में उतना एडवांस नहीं है, तो लगभग सारी चीजें आपको उनसे परचेज करनी पड़ती है, हायर करनी पड़ती है जिस कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है या जिनके पास है, तो लगभग वो बाहर से आते हैं। तो ऐसे में कॉस्ट सेटअप बहुत ज्यादा होता है इनिशियल, और जब कॉस्ट सेटअप आपका ज्यादा होगा तो कंज्यूमर के लिए उसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा होती है, और इनिशियल लेवल पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आपके कंज्यूमर होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे भी मेंटेन होती है, वो मास वॉल्यूम जनरेट नहीं होता है। सेकेंड फेज जो होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अगर आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो मैं मानता हूँ वो ग्रोइंग होता है। ग्रोइंग का मतलब ये है कि बेसिक जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था मार्केट में हो गया है, लोग जानने लगे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में और एक्सपेंशन हो रहा है। टेलीकॉम, आप मोबाइल का ही सेगमेंट लीजिए, जैसे शुरू में हॉचिंसन, BPL वगैरह आए, कुछ सालों में, लगभग 3-4-5 सालों में मोबाइल और ये सब चीजें सब लोगों को पता चल गई। यानी एक चीज ये हुई कि कस्टमर जो इतने बड़े इंडिया में इतना कस्टमर बेस था, सब एजुकेट हो गए मीडिया के थ्रू, वर्बल एक दूसरे से बात करके कि अरे उनके पास मोबाइल फोन है, हमें भी लेना चाहिए। तो जब अगर शुरू में आप आते हैं एंट्री टाइम पे, तो वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कस्टमर को एजुकेट करना, और उसके लिए या तो आप मीडिया का सहारा लेते हैं या ग्राउंड लेवल पे, दोनों बहुत खर्चीले काम होते हैं और आपका मैक्सिमम बजट एजुकेशन पे, यानी कस्टमर को एजुकेट करने में निकल जाता है, उसका रिटर्न बाद में आता है।
एक रीजन देखिएगा, बीपीएल वगैरह शुरू में आई लेकिन मार्केट लीड किसने किया? एयरटेल ने किया, वोडाफोन ने किया। वोडाफोन, एयरटेल वगैरह, रिलायंस वगैरह, रिलायंस टेलीकॉम मोबाइल में ये तब आए जब एक बेसिक मिनिमम लेवल पे मार्केट एजुकेट हो गया था और लोगों के अंदर जो उनकी नीड थी, नीड वो उनके डिजायर में बदल गई। डिजायर में कि मतलब लोगों को लगने लगा कि अब हम मोबाइल फोन हमारी जरूरत बन गई है और बिना उनके काम नहीं चलेगा। तो वहां पे ग्रोथ की स्पीड बहुत तेज होती है। तो ऐसे टाइम पे ये कंपनियां आई, एयरटेल वगैरह, और बहुत ज्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया। आप याद करिए कि जब ये कंपनियां आई थी तो बहुत तेजी से हर शहर में टावर बन रहे थे, हर गांव में टावर बन रहे थे, दुकानें खुल रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर खुल रहे थे, उसका पेमेंट कैसे हो, रिचार्ज कैसे हो, ये सारी चीजें टीवी पे एडवर्टीजमेंट खूब आते थे उस वक्त। तो ये सबसे सटीक और सबसे सही टाइम होता है जब बेसिक जो है इंफॉर्मेशन, बेसिक वे में मार्केट ग्रो कर गया हो और स्पीड अप जब वो होता है, शुरू होता है, तो उस वक्त आप वहां पे एंटर करिए और मार्केट के पेस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटी को आप शुरू करिए, ताकि लिमिटेड टाइम में 10-15 साल में जितना ग्रो करना है ग्रो करके फिर आप शिफ्ट करिए। शिफ्ट करिए मतलब डाइवर्सिफिकेशन आप बिजनेस करिए। अब जैसे देखिए 1G आया, 2G आया, 3G, 4G और अब 5G पे शिफ्ट हो रहा है, या जो लोग पहले मोबाइल टावर वगैरह के बिजनेस में थे वो हैंडसेट वगैरह टेलीकॉम में थे, वो हैंडसेट में आ गए या किसी और में आ गए। ये एक चीज हो गई। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश है, यानी बिजनेस करने का तरीका उनको पता है, वो किसी दूसरे सेक्टर में है लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन, चाहे उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो कि अब हमें दूसरे सेक्टर में जाना है। हर बड़े औद्योगिक घराने को देखिए, लगभग हर सेक्टर में वो प्रेजेंस रहते हैं। टाटा वगैरह को देखिए, ऑटोमोबाइल में भी है, FMCG में भी है, केमिकल में भी है, फार्मास्यूटिकल में भी है, हर चीज में है। तो ये बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होता है। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का पर्पज ये होता है कि एक पेरेंट कंपनी से जब आपको प्रॉफिट होने लगता है तो जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री हमेशा जो है चलती रहे, एक्सेप्ट FMCG को छोड़ के। वो एवरेज ग्रोथ रेट के FMCG, फार्मास्यूटिकल, हर्बल और OTC, इनकी ग्रोथ रेट हमेशा देखेंगे तो वो एक सेम पेस पे लगभग चलती रहती है। तो जब आपके पास प्रॉफिट एक इंडस्ट्री से आ जाता है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई, क्योंकि अगर आपकी बेसिक जो पेरेंट इंडस्ट्री है अगर वो कभी मान लीजिए उसमें डिक्लाइन शुरू हो ड्यू टू सर्टेन रीजन, या तो ओवरऑल इंडस्ट्री की डिमांड कम होगी या कॉम्पिटिशन के कारण, रीजन दो ही होता है, जब डिक्लाइन शुरू हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपके दूसरे वेंचर से होती रहे। अब इसका एग्जांपल देखिए, विमल शूटिंग एंड सर्टिंग रिलायंस का था, रिलायंस वाले आए लेकिन अब विमल का कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, क्योंकि 70 वाज द डिकेड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस वक्त आप देखिए जिसको देखिए सब लोग टेक्सटाइल में, रेमंड्स उसी टाइम बना, सियाराम शूटिंग एंड सर्टिंग थे, मयूर वगैरह थे, ये सब इनके एडवर्टीजमेंट और हर जगह दुकानें इनकी थी। तो 70 वाज द डिकेड फॉर द टेक्सटाइल, लोगों ने पैसे बनाए और फिर दूसरे। अब देखिए विमल का आप लीजिए, आज विमल को छोड़ के रिलायंस ने क्या किया, कितना डाइवर्सिफिकेशन किया, जामनगर में सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी बनाई। अब उनको ये लगने लगा है कि पेट्रोल की डिमांड भी कभी ना कभी कम होगी, तो वो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, टेलीकॉम में आए, ये 4G की टेक्नोलॉजी लेके जियो और रिलायंस वगैरह ये सब आए। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपके पास एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और ड्यू टू सर्टेन रीजन ये कंपल्सन है कि आप डाइवर्सिफाई करें, मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास सफिशियंट फंड है, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो तो आप डाइवर्सिफाई जरूर करें, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके लिए कैश काउ बना रहे, वो कभी भी घाटे में जा सकती है। ऐसे मेरे पास फोन बहुत आते हैं और एक सेक्टर से बड़े फोन आते हैं, मैं आपको बता दूं, ये रियल टाइम की मैं बात कर रहा हूं जो हो रहा है मार्केट में। जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे जो हाउसिंग सोसाइटीज बनाते थे, सबसे ज्यादा फोन उनके पास आते हैं। और क्यों आते हैं आप समझ गए होंगे, उनको अब ये लगने लगा है कि रियल इस्टेट में पहले जितना तेजी से और इजी वे में वो प्रॉफिट बनाते थे, अब वो ड्यू टू सर्टेन रीजन नहीं बना रहे हैं। सर्टेन रीजन इन द सेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस है, जो रेरा वगैरह लागू हुआ उसके कारण अब आपके मार्जिन वहां पे बड़े थिन हो गए हैं। तो अब है क्या, रियल इस्टेट का एक बिजनेस ऐसा था कि जो उसमें लग जाता था वो किसी और बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देता था, और रियल इस्टेट बिजनेस का डायनामिक्स और डायमेंशंस एकदम अलग है। मतलब उसमें जो जानकारी चाहिए वो एकदम अलग टाइप की जानकारी है,
और वो जानकारी रियल इस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के और किसी इंडस्ट्री में होती ही नहीं है यूज। आप रियल इस्टेट की जानकारी लेके टेलीकॉम या एफएमसीजी या फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी जी तो इनके कॉल्स मुझे बहुत आते हैं कि मुझे डाइवर्सिफाई करना है, हम कहाँ करें। देखिए, अब बिजनेस को अगर डाइवर्सिफाई करना हो तो वहां पे क्या क्राइटेरिया हो, आप किस सेक्टर में जाइए, क्योंकि जिस सेक्टर में आप है और जिस सेक्टर की आपको महारत हासिल है, नॉलेज है, उस सेक्टर से आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से शुरू करिए, जो क्राइटेरिया मैंने शुरू में बताया कि एटलीस्ट सबसे पहले आप अपने टारगेट जो है मार्केट को वो करिए कि कंज्यूमर यानी कि मास कंज्यूमर होना चाहिए, न कि सिलेक्टेड होना चाहिए। पहली चीज कि मैक्सिमम कंज्यूमर को, अगर 120 करोड़ लोग हैं तो पहली कोशिश ये हो कि 120 करोड़ लोगों के लिए यूजफुल प्रोडक्ट हो। दूसरा क्या है कि उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी की जो फ्रिक्वेंसी है कि हर दिन, हर महीने या साल में कितने बार है, तो एक दिन में जितनी बार उसकी यूटिलिटी होगी यानी प्रोडक्ट का कंजम्पशन उतना ही ज्यादा होगा तो डिमांड उस इंडस्ट्री की उतनी ही ज्यादा रहेगी। अच्छा, अब तीसरा जो आपके पास क्राइटेरिया है जो हमने बताया था, वो क्राइटेरिया ये है कि ये दोनों अगर आपने डिसाइड कर लिया तो तीसरा क्राइटेरिया आप ये कि पूरे इंडस्ट्री में निस सेगमेंट यानी किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेंज में आप जाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करिए। और अगर आप उस इंडस्ट्री के बाहर के हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी उस इंडस्ट्री के डायनामिक्स आपको नहीं पता है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को बुला करके उससे डिस्कस करके उसके बारे में सारी निटी गिटी आप समझ लीजिए। देखिए, फंड अरेंज करना और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के अपने वेयर हाउस में पहुंचाना, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड चीजें हैं। आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा देंगे तो इम्प्लाई वगैरह आप हायर कर लेंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम तब आती है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में दुकानों पे जाता है और वहां से उतने एक्सपेक्टेड वे में सेल नहीं आती है। तो अब देखिए, फिएमा डी विल्स एक साबुन लॉन्च हुआ था, उसने शुरू में वो ग्रोथ नहीं हुआ, एक दो साल तक बहुत धीमे रहा, फिर बहुत तेजी से ग्रो हुआ, और उसके बाद आज की डेट में एडवर्टीजमेंट नहीं आता है और मार्केट में उतनी अवेलेबिलिटी भी उसकी नहीं है। तो ये सारे जो है ये बिजनेस साइकिल होते हैं। जब आप एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके ग्राउंड पे उतरते हैं तो सारी स्ट्रेटजी वहां से शुरू होती है कि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि जो प्रोडक्ट आप ला रहे हैं वो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी 2500 कंपनियों के मार्केट में है ना। मान लीजिए आप चाय का एक ब्रांड ले आए, आप दुकान पे जाइए तो 2500 ब्रांड तो अभी भी पड़े हैं ना। मोबाइल फोन ले आए, 2500 मोबाइल फोन मार्केट में ब्रांड उसके अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है या जो स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए कि इतनी भीड़ में जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे, कस्टमर उसको क्यों सिलेक्ट करे और कैसे बिकेगा। देखिए, अगर सेल नहीं होगी तो आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। सारा दारोमदार ये होता है कि आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इंडियन मार्केट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे आए जो टाइम से पहले आ गए, यानी इंडियन मार्केट उस प्रोडक्ट के डिमांड के लिए एजुकेटेड नहीं हुई थी और इस कारण वो फेल होकर के वापस चले गए। इसका एक बहुत सही एग्जांपल है पेजर आया। जब पेजर आया तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ। पेजर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। 2-3 साल पेजर मार्केट में रहा, उसके बाद मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं। टेक्नोलॉजी जो होती है वो मैक्सिमम सुटेबिलिटी कस्टमर के लिए कौन सी है, पेजर के अपने लिमिटेशंस थे। मोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें 5-6 प्रोडक्ट की खूबियां थी, पेजर की भी सारी खूबियां थी, घड़ी भी था उसमें, टेलीफोन की भी खूबियां थी और टेप रिकॉर्ड या रेडियो की भी खूबियां उसमें थी और कैमरे की। अब तो कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके आने से 6-7 इंडस्ट्री लगभग मिनिमाइज हो गई। घड़ी की इंडस्ट्री आप देखिए मिनिमाइज हो गई, घड़ी हो गई, कैमरा हो गया, कैमरा हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग, हैंडीकैम का मार्केट हो गया। पहले फिल्म पे जो है फोटो वगैरह बनती थी, कोडक वगैरह देखिए, फिल्म रील आती थी, पूरा वाइप आउट हो गया। तो पेजर को जो रिप्लेस किया, 2-3 साल में ही पेजर आउट हो गया, तो वो टेक्नोलॉजी कितनी सुटेबिलिटी है और इजी टू यूज है, कस्टमर फ्रेंडली है, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं। पता चला आप कोई प्रोडक्ट ले आए और थोड़ी सी गलती के कारण उससे अपग्रेडेड या एक थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड
कोई नया प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट आपका वॉश आउट हो गया। ये चीज आपको मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत दिखती है कि एक फेनोमेनन एक फीचर मोबाइल में आता है, फिर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर एक नया फीचर लॉन्च कर देता है। जैसे 4G है, अब जैसे ही 5G आएगा 4G वाले सारे फोन बेकार हो जाएंगे क्योंकि वो कॉम्पेटेबल नहीं है। जब कॉम्पेटेबल नहीं है तो जब सारे सिग्नल ही आपके 5G हो जाएंगे तो आप 4G फोन रख के क्या करेंगे, आपको अल्टीमेटली वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं, अगर आप इस बात से बचना चाहते हैं कि बाद में आपको ये ना बोलना पड़े कि हमने तो पैसा काफी लगाया, मेहनत किया, लेकिन हमारा बिजनेस चला नहीं। देखिए, अगर दूसरे लोग उसी मार्केट में आपसे कम या ज्यादा या आपके बराबर पैसा लगा करके प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपके लिए भी वहां स्पेस है। प्रॉब्लम ये आती है कि आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाते हैं। अब कंपटीशन को भी समझ लीजिए, इंट्री फेस पे जो कंपटीशन होता है या चैलेंजेस होता है वो डिफरेंट होते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वहां पैर जमाने के लिए स्ट्रगल होता है जहां पे बिल्कुल जगह नहीं होती है। जब आपका पैर जम जाता है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो आपके पास जो ग्रो फेज के ग्रोइंग फेज मतलब उस वक्त आपका प्रोडक्ट ग्रो करना शुरू करता है तो उसके चैलेंजेस कुछ और होते हैं। वहां पे कंपटीशन का पूरा डायमेंशंस और डायरेक्शंस दोनों चीजें और डायनामिक्स ये तीनों चीजें बदल जाती हैं। और जब आप मार्केट को लीड करते हो, लीड करने का मतलब टॉप 3 या 4 प्लेयर में आप आ जाते हो पैन इंडिया लेवल पे या पर्टिकुलर एक रीजन में आ जाते हो, तो वहां पे आपके चैलेंजेस कुछ और होते हैं। मैं इसका एक बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो आप देखिए धीरे धीरे वो कैसे ग्रो करता है। वहां पे कंपटीशन, आप उनकी एक्टिविटी को देखिए, उनकी स्ट्रेटजी को देखिए, एकदम अलग होता है। और जो ग्रोइंग होता है, जिसने बेसिक पेनिट्रेशन कर लिया है, उनकी स्ट्रेटजी एकदम अलग होती है। कोका कोला और पेप्सी का जो चैलेंज है आज है वो है मार्केट में अपनी जगह को बनाए रखना। ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ जितनी होगी पॉपुलेशन उनकी, उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें जो है लॉन्च करना है या मार्केट में स्पेस बनाना है। अब अगर आप इंट्रोडक्शन फेज में हो तो वहां क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले अपने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को बनाना। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हम नॉर्थ इंडिया में बिजनेस लॉन्च करेंगे, तो नॉर्थ इंडिया में टोटल लगभग 40-50 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, 207 या 208 डिस्ट्रिक्ट है ऐसे ही, और 9 स्टेट है इंक्लूडिंग चंडीगढ़ को अगर इंक्लूड कर लिया जाए। अभी 2-3 स्टेट बढ़ गए, वो जे एंड के को अगर एक माना जाए, 2 स्टेट वो बढ़ गए उसको आप बढ़ा देंगे तो वो 11-12 स्टेट हो जाएंगे। अब पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम डेवलप करना है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे आपका प्रोडक्ट आपके कंपनी से निकल के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल शॉप और फिर कंज्यूमर तक पहुंचे। अब ये हो गया लॉन्चिंग फेज का। जब आप ग्रो करने लगते हैं तो प्रॉब्लम या चैलेंज क्या आती है कि एक दुकान पे आपका माल है, सपोज एक दुकान पे आपका ब्रांड या प्रोडक्ट रखा हुआ है और 10 पीस रखा है, यानी महीने में 10 पीस बिक रहा है, तो चैलेंज ये होता है कि उस 10 पीस को बढ़ा के हम 100 पीस पे कैसे करें, क्योंकि आपको एक सर्टेन मार्केट शेयर लेना है, आपको एक सर्टेन पेस पे जो है ग्रो करना है, तो 10 पीस की सेल को बढ़ा करके 100 पीस पे कैसे किया जाए, ये चैलेंज आता है। और जब आप टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपके पास चैलेंज आता है सस्टेनेबिलिटी का, कि जो आपके कस्टमर है कैसे उनको मेंटेन करके रखा जाए और एक नेचुरल जो ग्रोथ, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, जो नेचुरल ग्रोथ है, यानी इंडस्ट्री ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से पर एनम कितने रेट पे ग्रोथ कर रही है, उतना ग्रोथ एक्सपेक्टेड होता है। उसके ऊपर अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो वो ग्रोथ आपको टैक्टिक्स से मिलेगी और स्ट्रेटजी से मिलेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट से, जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर के मार्केट शेयर को ईट करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का पोटेंशियल सेम है। अगर आप ग्रो करोगे तो किसी न किसी का मार्केट शेयर आप छीनते हैं। तो ये चीजें हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इन चीजों का कोई भी बिजनेसमैन ध्यान रखेगा जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो बाद में उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमने तो इन्वेस्ट किया, हमने तो मेहनत की और हमें जो है रिटर्न नहीं मिला और हमारा बिजनेस डूब गया या बंद हो गया। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख करके आप मार्केट को लीड कर सकते हैं और सक्सेसफुल अपने बिजनेस को सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च करके आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। जी। तो बहुत अच्छा मिश्रा जी, आज आपने जो काफ़ी विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि जो लोग नए व्यापार में उतरने जा रहे हैं उनके लिए आज की हमारी परिचर्चा काफ़ी लाभदायक रही होगी। इसके बाद भी यदि आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोगों के नंबर नीचे दिए हुए हैं,
और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जो जानकारी आपको मिली है वो जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे। ज्ञान का प्रसार जो है वो होना चाहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अमलेंदु जी, ये इसलिए भी होना चाहिए, एक लाइन में ऐड कर दूं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज है इंडियन बिजनेसमैन के पास, देखिए सवाल यहाँ पे केवल यह नहीं है कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, हम कॉन्सेप्ट ये लेके चल रहे हैं कि जितने भी बिजनेसमैन है सब लोगों तक नॉलेज पहुंचे, क्योंकि भारत को विश्वगुरु तो बनाना ही है और मौके भी आ रहे हैं। इतना फेवरेबल जो है ग्लोबल सिचुएशन आपको कभी नहीं मिला होगा, भारत को और भारतीय उद्यमियों को आज के पहले कभी भी इतना फेवरेबल सिचुएशन या सपोर्ट ग्लोबल कम्युनिटी का नहीं मिला है। तो इसलिए आपके सारे दर्शकों से जो है रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप अपने ग्रुप में, अपने कम्युनिटी में इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी देखें और समझे कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे उस अपॉर्चुनिटी को वो इनकैश कर सकते हैं और किस तरीके से संभल के कदम रखना है। ये भी कि व्यापार में आज जब उतर रहे हैं तो किस तरीके से आपको सावधानी बरतते हुए कदम रखना है ताकि फिर ये ना कहना पड़े आपको कि हमने तो पैसा लगाया था और हम डूब गए। तो इसलिए जो है ये चीज समझने की है, उस समझ चीज को समझते हुए आपको करना है। तो मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस परिचर्चा को ध्यान से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।